दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कितने दिन में आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बारीक बारीक पॉइंट मैं इसमें बताने वाला, बहुत बेसिक पॉइंट जो आपको समझ होना चाहिए अगर आप एक एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो और आपके अंदर एक्साइटमेंट है ये जानने के लिए कि एक एप्लीकेशन को बनवाने के बाद कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों सारी चीजें जो है ना डिपेंड करती हैं आपके मोनेटाइजेशन मॉडल पे। जो ये अर्निंग है, अर्निंग वर्ड जब आप सुनते हो कि यार मेरा एप्लीकेशन जब बनके मेरे पास रेडी होके आएगा तो मैं उससे अर्निंग करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जब आप ये सोचते हो तो इसके पहले आपको एक चीज और सोचनी है, वो ये है कि आपका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, ठीक है। मान के चलो, देखो क्या होता है ना दोस्तों, जिनके पास 100 यूजर भी है ना, किसी एप्लीकेशन ओनर के पास अगर 100 यूजर भी है तो भी वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेता है, अच्छी खासी मेरा मतलब है अच्छी खासी, ठीक है। और जिनके पास 1 लाख यूजर्स है ना, वो भी ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। सारी चीजें डिपेंड करती है आपके मोनेटाइजेशन मॉडल के ऊपर, आपने क्या सोचा हुआ है, आपने अपने यूजर्स को जो कंटेंट सर्व किया है उसके पीछे का आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपने अर्निंग के लिए कितना सोचा हुआ है, सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी अर्निंग कब और कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिनके पास 100 यूजर्स हैं, ठीक है, वो कैसे अच्छी खासी अर्निंग कर ले रहे हैं, मतलब कैसे स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग के। अभी क्या होता है ना, हमें भी पता है कि स्टार्टिंग के यार 100 यूजर्स या फिर 200 यूजर्स या फिर 1000 यूजर्स जब तक आएंगे तब तक हम अपने एप्लीकेशन में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं डालेंगे, कुछ ऐसा सर्व नहीं कर, जो मतलब यूजर्स को चाहिए वही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब जाके जब यूजर्स बढ़ेंगे तब जाके हम उसमें एडवर्टीजमेंट डालेंगे या फिर जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है वो इंप्लीमेंट करके हम अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, ऐसी सोच रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत यूजर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन के ओनर है वो स्टार्टिंग में अपने एप्लीकेशन को पेड रखते हैं, ठीक है। तो जो 100 यूजर्स वाले हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूं, जिनके पास 100 यूजर है तो भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं यूजर्स को टारगेट करते हैं जिनको रियल में उस चीज की नीड हो और वो उस चीज के लिए पे कर सके, क्योंकि उनके कॉन्टेंट में दम होता है, प्लस वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है लोगों की, इसलिए वो 100 यूजर में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और जिनके पास 1 लाख यूजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं एडवर्टीजमेंट पे, वो एडवर्टीजमेंट यानी कि गूगल एडसेंस के भरोसे या फिर कोई जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट इंप्लीमेंट किया हुआ है एड नेटवर्क, उसके भरोसे बैठे रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब वहां से जब हमारे यूजर्स बढ़ेंगे तब हम एडवर्टीजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, वो जिस भी टाइप का एड को इंप्लीमेंट करें, रिवॉर्डेड वीडियो हो, नेटिव एड हो, बैनर एड हो, इंप्लीमेंट करके वो अच्छी खासी मतलब जो भी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। बट वैसे यूजर्स स्टार्टिंग के 1 to 2000 यूजर जब तक नहीं हो जाते तब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाते, मतलब अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाते, अच्छे जब उनके 5000 to 10000 एक्टिव यूजर हो जाते हैं तब जाके वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस मैं अगर अपने जो 100 यूजर्स की बात करूं तो ये लोग बहुत कम, अगर 10 यूजर भी रहे तो भी ये लोग अर्निंग कर लेंगे। तो देखो मोनेटाइजेशन मॉडल डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे चीजें मतलब मैच नहीं कर पा रही, मतलब ये क्यों 100 यूजर में कमा ले रहा है, वो क्यों 1 लाख यूजर में भी ठीक ठाक ही कमा पा रहा है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके मोनेटाइजेशन मॉडल के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा। अब जब आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो आपकी अर्निंग, फर्स्ट अर्निंग आपको कब आएगी, ये डिसाइड करता है कि आपने अपने एप्लीकेशन में जो कंटेंट दिया है या फिर आपका बिजनेस मॉडल क्या है या फिर आप क्या सर्विस दे रहे हो। अगर तो आपका एप्लीकेशन इस कैटेगरी का है जहां पे आप सिर्फ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो और आप एडवर्टीजमेंट के भरोसे बैठे हो, तो आपको ये सोच लेना है कि जब तक आपके एप्लीकेशन में 1 to 2000 यूजर्स एक्टिव ना हो तब तक आप अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास एप्लीकेशन में आपने अच्छे खासे कंटेंट प्रोवाइड किए हैं बट उसमें कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल डाला हुआ है, प्रीमियम कंटेंट डाले हुए हैं, आप ऐड के भरोसे नहीं बैठे हो, आप एडवर्टीजमेंट आप इंप्लीमेंट करोगे भविष्य में कभी या फिर आप खुद के एड्स डाल रहे हो, खुद के इंप्लीमेंट कर रहे हो एड्स, एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर्ड एड वगैरह, तो यहाँ पर खुद के एडवर्टीजमेंट भी तभी इंप्लीमेंट करोगे जब आपके पास यूजर्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस आपको अच्छा प्रीमियम कंटेंट देना होगा, ठीक है। प्रीमियम कंटेंट के साथ जो आप सर्विस अगर कुछ सेल कर रहे हो तो वो सर्विस में भी आपके दम होना चाहिए। तो इस जो छोटे मतलब स्मॉल यूजर बेस में आप ज्यादा अर्निंग कर पाओ इसके लिए आपके पास सर्विस होना चाहिए कोई बढ़िया या फिर कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए। और दूसरी साइड में अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई सर्विस नहीं, आप बस फ्री में कंटेंट दे रहे हो कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट करके या फिर कहीं से भी कंटेंट उठा के जस्ट आप पेस्ट करो या फिर जो आपके पास नॉलेज है वो जस्ट आप दे रहे हो, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपके पास 1 to 2000 एक्टिव यूजर्स ना हो जाए। और 1 to 2000 एक्टिव यूजर लाने के लिए कम से कम आपके एप्लीकेशन पे अराउंड 10 to 20000 डाउनलोड्स भी होने चाहिए। एक्टिव यूजर से मेरा मतलब है जो डेली आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वरना आप सोचो कि 1 to 2000 तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, वो डेली यूज नहीं करते हैं। 10-20000 जब आपके डाउनलोड्स होंगे ना तो मान के चलो 2-3000 एक्टिव रेगुलरली वो आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे। और 10 to 20000 डाउनलोड्स लाने के लिए आपको गूगल ऐड पे कम से कम अराउंड 50000 का प्रमोशन करना पड़ेगा, 50-1 लाख, डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी में है,
और किस कैसे टारगेट ऑडियंस है आपकी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, कौन से कीवर्ड पे कितना बिड लग रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। पहले अगर आपको अर्निंग को समझना है, अगर आपकी आपकी जो भी फर्स्ट अर्निंग कब आएगी, उसके पहले आपको अपने बिजनेस मॉडल को समझना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपके बिजनेस मॉडल में आपने क्या मोनेटाइजेशन मॉडल को इंप्लीमेंट किया, ये सारी चीजें आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्टार्ट कर पाओगे स्टार्टिंग से भी। मतलब एक 1000 यूजर्स भी आ गए तो भी आप स्टार्ट कर पाओगे, 100 यूजर आ गए तो भी आप स्टार्ट कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट या जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, या फिर जब आप एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोच रहे होंगे तो अर्निंग कब आएगी, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।